चलिए भाई, लेट अस बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट रुकना मेरे बच्चों। चले, सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पर हम बात करना शुरू करते हैं। देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गोज लाइक दिस। वालेकुम अस्सलाम हारिस बेटा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It is only converted from one form to another. See, this statement explains you ke na aap energy create kar sakte ho, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सर्कुलेट हो सकती है। कन्वर्जन टू कन्वर्जन चल रही होगी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, और इनटू नोवेयर एनर्जी की डिस्ट्रक्शन को भी आप ऑब्जर्व कभी भी नहीं कर। यू वोंट सी एनर्जी गोइंग आउट लाइक इन थिन एयर एंड वैनिशिंग आउट ऑफ समवेयर, जो खत्म हो गई पूरी यूनिवर्स में। सही, वो नहीं होता। अब इसी बात को एक और तरीके से भी अगर आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ एन एंटायर क्लोज सिस्टम इज कंजर्व्ड। इस बात का मतलब क्या है और इसमें क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एंटायर क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड का मतलब ये है कि उस एनवायरनमेंट में ना किसी और चीज को एंटर होना है और ना ही उस एनवायरनमेंट से कोई चीज लीव कर सकती है। अगर आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें ना एंट्रेंस है और ना लीविंग है, तो हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कि ये क्लोज सिस्टम। भाई, मैंने एक ये बाउंड्री क्रिएट कर दी, सो दैट्स अ क्लोज सिस्टम। नाउ व्हाटएवर इज इनसाइड दिस, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह, व्हाटएवर इट इज, हम इसको क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में डील कर रहे हैं। कि इनकी जो जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी फिक्स रहेगी। ये आपस में टकराएं, कोलाइड करें, एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे एनर्जीज को, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम की एनर्जी को आप फिक्स देखो। हमारे लिए जो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन होती है और जो हम पेपर में ज्यादा मशवरा देते हैं कि भाई आप लिखें, वो होती है पहले बार। What I would suggest you is to go with the first one. It's more elaborative and easy to understand than the second one. अब इसकी मैं कुछ examples देता हूँ कि भाई ये जो conservation of energy है इसके मुताबिक आप किन किन चीजों को observe कर सकते हैं। पहले जरा यहाँ closed की मैं बात कर लेता हूँ। सही, ना ही कोई एनर्जी एंटर होगी और ना ही कोई एनर्जी जोन लीव करने का काम करेगी। अच्छा, अब हम आपको एग्जांपल्स देते हैं कि ये कहां किस तरीके से अप्लाई होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट। वी विल टेक सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स के अगर आप एक कोल के बर्निंग की बात करें, बर्निंग ऑफ कोल, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे चल रही है। तो बेटा, कोल के अंदर जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी।
सही, क्योंकि कंबस्टन के दौरान केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल एनर्जी से आपके पास प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी। और इसके साथ साथ लाइट एनर्जी। देखो जब भी हम प्लस का साइन लगा के लिखेंगे ना, तो प्लस का साइन लगाने का मतलब मेरा ये होता है कि भाई ये फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस, या प्रोड्यूस्ड टुगेदर। एरो बनाने का मतलब ये है कि दिस थिंग वाज कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने लिखा भाई केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, फिर उन्हें याद आया अच्छा ये तो लाइट भी बन रही होती, फिर वो एरो ही लगा के लिख देते हैं गलती से लाइट एनर्जी। इसका मतलब पता हूं क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कोयले के अंदर आपके पास, कोल के अंदर जब कंबस्टन हुई और उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो हीट एनर्जी एकदम से लाइट बन, मतलब पहले हीट प्रोड्यूस हो रही है कोल के अंदर से और फिर उस हीट के अंदर से लाइट एनर्जी निकल रही है। कि भाई आपके पास जो कोल है वो पहले हीट प्रोड्यूस करेगा और जो हीट निकली है इसमें से रोशनी निकल रही होगी। The heat is converting to light. ऐसा थोड़ी होता है, the coal produces both of those energies together. इसमें हीट और लाइट एक साथ प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जब भी कभी आपको प्लस का साइन दिखे तो प्लस का मतलब ये हो गया प्रोड्यूस्ड टूगेदर। और एरो का मतलब ये हो गया कन्वर्टेड इनटू, कि वो कन्वर्ट हुई उस फॉर्म के। आप प्लस के साथ लिखोगे इसका मतलब आपने वो दोनों एनर्जीज को एक साथ प्रोड्यूस किया। आप एरो बना के लिखोगे इसका मतलब ये एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने का काम। ये बड़े काम की चीजें हैं, इसको जहन में रखना। तो मैंने एक कोल की मिसाल दी, इफ अ कोल बर्न्स इट कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू heat energy and light energy together. अब इसी तरह की मैं और examples करवाता हूँ। इसी तरह की अगर मैं और एग्जाम्पल करवाऊँ तो आपके पास एक बनती है, लेट्स से जैसे बर्निंग ऑफ कोल था उसी तरह से एग्जांपल और ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करवाया और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो एक बॉल थी, दिस बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट ओवर हियर, पासेस थ्रू सर्टेन हाइट एंड देन हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो if a ball was dropped it will gain speed and will be faster and faster as it hits the ground with a certain speed. So ho kya raha hai, when the ball was at a certain height, jab wo upar thi to uske andar potential energy maujood thi, aur kaun si potential energy thi, uske andar gravitational potential energy. उसका वेट उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब आपने उसे ड्रॉप होने दिया, सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू किनेटिक। और ये होता रहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होती रही और उसकी काइनेटिक गेन होती रही। क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी दी जा सकती है कि भाई जब बॉल टॉप पे थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैं कहता हूं 100 जूल्स,
और कैनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब वो बॉल ड्रॉप होना शुरू हुई तो भाई पोटेंशियल एनर्जी लूज होती गई, लेट से अभी 60 रह गई और 40 जूल्स बन गई कैनेटिक। टोटल वही है, द टोटल इज नॉट चेंजिंग, पोटेंशियल लूज होती चली जा रही है, कैनेटिक में गेन आता जा रहा। 60 जूल्स रह गई थी पोटेंशियल, इसका मतलब 40 जूल्स लूज हुई और वो बन गई कैनेटिक। फाइनली यहां पे पोटेंशियल जीरो हो गया आपका, क्योंकि वो ग्राउंड पे है, मिनिमम है कैनेटिक ओ पोटेंशियल, और कैनेटिक एनर्जी पूरी पूरी 100 जूल हो चुकी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका गिरता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड टू कैनेटिक। अब क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया था, सो देयर वॉज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट इन द सराउंडिंग। बताता मेरे बच्चे, उसमें भी आ रहा हूं। अब अगर यही चीज हम बात करते फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, सही, एंड देयर वाज एयर रेजिस्टेंस, आपके पास अगर एयर रेजिस्टेंस होती उस सूरत में आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो बॉल ड्रॉप हो रही होती जैसे पहले हुई थी, लेकिन इसमें एक और काम भी हो रहा है, इसमें साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। मतलब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको एब्रिविएट करके लिख देता हूं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी प्लस द हीट। हीट एनर्जी इसके साथ साथ रिलीज होती है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ना उसकी मूवमेंट में इफेक्ट आता, उसकी मूवमेंट को अपोजिशन फील होती, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी को हीट की फॉर्म में जाया करता है। दिस हीट इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, टॉप पोजीशन पे हम कहते हैं कि भाई ऑल वी हैड वाज पोटेंशियल, सारी पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल्स एंड काइनेटिक वाज जीरो। ठीक, जब वो गिरना शुरू हुआ पोटेंशियल हो गई 60, काइनेटिक 30। अब बोलेंगे सर ये टोटल नहीं हो रहा, ये होना भी नहीं था। इस दौरान आपके पास हीट भी प्रोड्यूस हुई, 10 जूल्स हीट बनी। वो एनर्जी वैसे तो टोटल 100 ही था क्योंकि भाई ना क्रिएट कर रहे हो ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो पोटेंशियल लूज हुआ 60 जूल्स, काइनेटिक भी गेन हुई लेकिन वो 40 जूल्स गेन नहीं, पोटेंशियल 100 से 60 पे आया तो यू हैड अ लॉस ऑफ 40 जूल्स। काइनेटिक वाज नॉट 40, काइनेटिक वाज 30, रिमेनिंग का चले गए भाई, रिमेनिंग हीट की फॉर्म में आया। इसी तरह से जब आपके पास नीचे ये चीज बॉटम पे पहुंची भी होगी, आगे पोटेंशियल जीरो हो चुका होगा, काइनेटिक मिसाल के तौर पर आपके पास सिर्फ 80 रह गई, तो टोटल एनर्जी लॉस की अगर आप बात करो सर टोटल कितनी जाया हो गई, तो मैं बोलूंगा भाई टोटल एनर्जी लॉस अब तक 20 जूल्स का हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे वो चीज गिरती जा रही है वो अपने अंदर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लूज करती जा रही है। दैट हीट इज एक्चुअली अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड इट्स देयर बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। पिछले वाले केस में Nothing like this ever happened.
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देयर वॉज नो लॉस ऑफ एनर्जी. There was no loss of energy, लेकिन यहां पे अब एनर्जी का लॉस भी शुरू. फिर अब हम आपके साथ थोड़ी सी बात करते हैं कॉलिजन वाली, कि जैसे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, जैसे बॉल गिर तो रही है, नीचे भी आती है, टकराती भी है, लेकिन जब कॉलिजन होती है तब क्या होता है, उस वक्त कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये भी तो देखते हैं. तो अब हम कहते हैं भाई ओके, अब बॉल colliding with the ground and rebounding. सही, कि एक बॉल जमीन से टकराती है और उसके बाद रिबाउंड भी. तो मतलब मामलात कुछ ऐसे होंगे बेटा कि the ball would have been like this. और मैं कहता हूं भाई नो लॉस अपॉन कॉलिजन. पहले हम सिंपल से चीज को देखते हैं कि अगर कॉलिजन पे कोई लॉस नहीं हुआ, आइडियल सिचुएशन है ना, उसके बाद रियल पे भी आ जाएगी. तो बॉल जब कोलाइड करती है तो फॉर अ मोमेंट उसमें एक स्क्वीज वाला फैक्ट आता है, थोड़ी सी स्क्वश हो जाती है, एक लंबे के लिए आगे रुकती है तो वो बिल्कुल स्क्वश हुई भी होती है. और उसके बाद वो रिलैक्स होके रिबाउंड करती है. और ये हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, उसके अंदर एक बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आती है, बहुत थोड़ा सा उसके बॉडी में चेंज आता है. फिर वो बेसबॉल ही क्यों ना, उसको भी हमने एक स्लो मोशन वीडियोस यूट्यूब पे अक्सर आती है, उसमें दिखाया, मैंने देखा था, उसने बेसबॉल बैट को जब हिट किया, बेसबॉल बैट से जब बेसबॉल को हिट किया था, बॉल बाकायदा स्क्वैश हुई थी. हालांकि वो कितनी हार्ड फील होती है भाई, वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है विद अ सर्टेन वेलोसिटी और रिबाउंड करता है विद अ सर्टेन वेलोसिटी. अब बताओ यहां क्या हो रहा होता है, देखो जब वो स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करते वक्त उसके पास सारी एनर्जी जो थी वो थी काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड की वजह से. ये काइनेटिक एनर्जी इसकी लूज होती है और कन्वर्ट होती है बॉल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ग्रेविटी में ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें वापस गिरने की नीचे सलाहियत. अब इसी तरह जैसे आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर भी तो वापस आने की सलाहियत होती है, उसमें भी तो एबिलिटी होती है कि वो रिटर्न करे. तो जैसे ग्रेविटी की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने पर भी, जैसे रबर बैंड हो गया या कोई वायर हो गया या ये बॉल हो गई, इसको अगर आप स्क्वीज करते हो तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने हाथ में इस बॉल को स्क्वीज करके छोड़ोगे ये वापस रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन पे आएगी. उसमें एबिलिटी थी, आपके स्क्वीज होने की वजह से उसमें आपने कुछ पोटेंशियल भर दिया था, जैसे ही आप छोड़े थे वो बॉल वापस रिलैक्स करती थी. इस पोटेंशियल एनर्जी को आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते. इलास्टिक का वर्ड आपने इससे पहले सुना था उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनको आप स्क्वश कर सकते हो, खींच सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए आप इलास्टिक का वर्ड यूज करते हो. यहाँ पे यही चीज है. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब बॉल वापस रिलैक्स होती है तो इट कन्वर्ट्स बैक टू काइनेटिक. सो इट कन्वर्ट्स बैक टू काइनेटिक. तो यहाँ पे kinetic converts to elastic potential and then elastic potential converts back to kinetic. This is how the entire system works.
जी मेरे बच्चे हारिस, इट्स एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो। लेकिन अगर अच्छा इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी, बॉल विल बाउंस ऑफ विद द सेम स्पीड, सही, बॉल सेम स्पीड से बाउंस ऑफ होगी क्योंकि एनर्जी तो जाया नहीं हुई, काइनेटिक बनी पोटेंशियल, पोटेंशियल बनी वापस काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ही नहीं हुई आपकी। जब एनर्जी आपकी लॉस नहीं हुई तो फिर चेंज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो द बॉल विल बी ऑब्जर्व टू बाउंस ऑफ विद द एग्जैक्ट सेम स्पीड जिस स्पीड से वो स्ट्राइक हुई थी। बट अगर ऐसा होता कि आपके पास यही सिनेरियो दोबारा आता, लेकिन दिस टाइम हम बोलते हैं कि भाई एनर्जी लॉस है, इस बार हम कहते हैं कि भाई एनर्जी लॉस अपॉन कॉलेज, एक रियलिस्टिक सिचुएशन की बात है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा कभी भी, ये आइडियल सिचुएशंस है, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज की जाती है। रियल लाइफ में व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड दे लूज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, मेरे बच्चे यहां पे जो एनर्जी लॉस हो रही होगी, यहां पे स्ट्राइक करते वक्त ऑल इट हैड वाज काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी, द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड ऑल द वे टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसके साथ साथ एक और एनर्जी बनी थी एंड दैट एनर्जी वाज हीट। कॉलिजन के वक्त जो एनर्जी लॉस हुआ था वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हुआ था, और मैंने इसको देखो प्लस के साइन के साथ लिखा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस द हीट, ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ प्रोड्यूस हो रही थी। एंड व्हेन इट रिबाउंडेड बैक, क्योंकि कांटेक्ट में तो है, तो जब वो रिबाउंड कर रही होगी उस दौरान फिर दोबारा आपके पास यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी। को मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, ये हाफ वे की जर्नी हो गई, और अगली हाफ जर्नी में जो उसमें रिमेनिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनी थी दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड सम हीट एज वेल, क्योंकि अब रियलिस्टिक सिचुएशन पे आ गए हो तो कॉलिजन के दौरान एनर्जी लॉसेस हो रहे हो, इलास्टिक पोटेंशियल जब काइनेटिक बन रही होगी, काइनेटिक जब वापस इलास्टिक पोटेंशियल बन रही होगी, तमाम दौरान आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस, और अब स्पीड सेम नहीं होगी। लास्ट में सी बात है भाई, जब उसकी अच्छी खासी एनर्जी जाया हो गई तो अब जब ये बॉल रिबाउंड करेगी तो अब उसकी स्पीड कम होगी, वी हैव लेस स्पीड। एनर्जी लॉस होने की वजह से, तो व्हेनेवर यू हैव अ लॉस ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी लॉस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट तरीकों से एनर्जी लॉस हो रही होती है, हमने कुछ चार पांच एग्जांपल्स देखी, एक बहुत सिंपल सी भी देखी, अब इसी तरीके से मैं बात करूंगा एक सेल या बैटरी की। अगर हम सेल या बैटरी की बात करें, विंड टर्बाइन की बात करें, तो उसके अंदर फिर आपको एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती हुई नजर आती है, उसको भी जरा हम देख लेते हैं। यहाँ से आगे बढ़ूं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को, अगर कोई इनमें से पूछना कुछ चाहता है तो वो पूछ ले।
चलेगा, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं विवर्तन फाइव, ठीक है, हम बात करते हैं भाई एनर्जी कन्वर्जन इन सेल एंड सर्किट। ठीक है, एक सिंपल सा मैं सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई आई हैव अ बैटरी, I'm just drawing it to give you guys an idea, nothing else than that. ठीक है, that's it. It's a cell of or a battery of 9 volts is being covered. ठीक है, and we have a circuit over here. So we have a cell or a battery basically connected to a wire and let's say a lamp. So we have a lamp over here. It's kind of like a filament of my lamp, or it's not a typical circuit. ये सिर्फ आपकी demonstration के लिए है। जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बिल्कुल डिफरेंट बना के दिखाएंगे। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग यू हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, इसका और कोई मकसद नहीं है भाई। लेट्स से द लैंप इज लिट सी एंड देयर इज लाइट। अब मुझसे कोई पूछे कि सर यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन कैसे चलता है, भाई यहाँ पे आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हो एनर्जी कन्वर्जन को। इट्स बेसिकली द केमिकल एनर्जी in your cell, see chemical energy in cell ya battery jo bhi aap keh le, that is converted my dear ones to electrical energy, kyunki aapke wire mein usse electricity aati hai. ye electrical energy aapke wires mein, theek hai, and this electrical energy is then converted to light energy and heat energy. Because lamps usually get heat up when they're working. So it's my energy conversion method. The chemical energy in the cell or battery gets converted to electrical first, and that electrical energy gets converted to light energy or heat energy of your lamp. If you have placed something else, battery के अंदर तो इतना ही चला। अगर आप बैटरी की बात करते हो तो बैटरी के अंदर तक तो यही के मामला आते हैं, केमिकल गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक, दिस इज व्हाट अ बैटरी लुक्स लाइक व्हेन इट्स अंडर ऑपरेशन। सो दैट्स हाउ अ बैटरी लुक्स। See, that's for something inside battery. Baki jo tha wo bahar battery ke chal raha. The conversion of electrical energy into light and heat energy, ye sab aapka circuit ke bahar ka. Isi tarah agar aap solar panels ki baat karte to solar panels ke andar kya hota hai bhai, solar panels mein it's light energy. Hame lagta hai solar panels generally heat pe kaam karte hain. सोलर पैनल्स का मेजर कंपोनेंट उनका लाइट एनर्जी वाला होता है। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से इफ समवन टॉक्स अबाउट सर द विंड टर्बाइन्स, उनमें क्या हो रहा होता है, सही, अगर आप विंड टर्बाइन का इस्तेमाल करते हैं, विंड टर्बाइन के साथ अगर आपने जनरेटर भी लगा दिया तो विंड टर्बाइन के अंदर अगर उसका जनरेटर लग जाए तो
एनर्जी कन्वर्जेंस कुछ ऐसे ही हो जाएंगे, देयर इज काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, हवा चल रही होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड्स, आपके ब्लेड्स घूमते हैं विंड टर्बाइन के, सी, एंड दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेटर. You can directly kind of like mention kinetic energy of the wind converting to electrical energy through the generators. आप इसको direct कह सकते हो, लेकिन ये जो middle है, it's only कि जब wind से energy directly generator में नहीं जाती, wind की kinetic से आप blades को rotate करते हो wind turbine के, तो उसके blades में आ जाती है वो kinetic energy. And then that kinetic energy is converted to electric. And if there are losses, तो मेरे बच्चे heat energy साथ साथ produce होती रहेगी. अगर आपके पास लॉस है तो ये हीट का सिलसिला चलता रहेगा उसमें, तभी तो आपकी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती. कोई भी सिस्टम हो उसमें 100% एफिशिएंसी आपको नजर नहीं आती. Let me give you an example of a calculative point. ये भाई एग्जामिनर आपसे कैसी कैसी चीजें पूछ सकता है इस चीज के अंदर, ये भी देख लीजिए. हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल्स. कि जनाब एक बॉल थी, इट वॉज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट of 40 meters above the ground. See, it was dropped from a height of 40 meters above the ground. A question kuch aisa tha. Ignoring air resistance, calculate the speed of the ball. Apologies, as it hits the ground. ये उन्होंने question बनाया. इस question में जो आपके keywords थे, उसमें देखें released from rest. सही, released from rest का मतलब आपके object के पास initially कोई kinetic energy नहीं. There was no speed at the starting point. मतलब आप ये कह लें, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी u की वैल्यू जीरो थी इनिशियली, आप रेस्ट पर थे और 40 मीटर्स की हाइट से आप ड्रॉप हुए, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट था, जो हाइट थी वो 40 मीटर्स था. एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कीजिए, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने का मतलब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, और जब ऐसा होता है तो उस वक्त आपको सिर्फ आपका वेट पीछे गिरा रहा हो. बोलते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड. तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉल की
मैं इनको नाम दे देता हूँ भाई, इस जगह को मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट ए है, और ग्राउंड को बोल देता हूँ जगह स्पेस बी। तो मैं कह सकता हूँ भाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। सही कि पोटेंशियल एनर्जी ए पे जितनी है वो काइनेटिक के बराबर है पोजीशन बी के ऊपर, क्योंकि जितना पोटेंशियल लूज हुआ वो सब काइनेटिक बन गया। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी ए पे होगी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक जब वो नीचे होगा। पोटेंशियल लॉस्ट काइनेटिक गेन। आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं पोटेंशियल और काइनेटिक की, आप कह सकते हैं कि ठीक है सर अकॉर्डिंग टू दिस एम जी एच इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मैंने ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया ही नहीं था, उसकी वजह थी मास कैंसिल हो जा रहा था, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मास आ रहा था जिसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा ग्रेविटी जी, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 है, उसको 9.8 ले रहे हैं अभी आपके लिए। द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप वॉज 40 मीटर्स इक्वल टू के दूसरी तरफ हो गया हाफ वी स्क्वायर। आप यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 40। आपके पास आ जाएगी भाई कि स्पीड कितनी है एट द बॉटम। इफ आई कैलकुलेट अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 40 दैट टर्न्स आउट टू बी 28 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड होगी, बहुत सिंपल सी लॉजिक लगाई, जो पोटेंशियल में लॉस आया वो काइनेटिक के गेन के बराबर होगी। इस सवाल में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने एक बॉल को एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ था और वो बॉल वहां से नीचे आगे गई, तो एक हाइट पे होने की वजह से द बॉल हैड सम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट हाइट ऑल द वे डाउन टू द ग्राउंड। सो इट लॉस्ट इट्स पोटेंशियल और पोटेंशियल लॉस होने की वजह से उसने काइनेटिक गेन की। तो मैंने बहुत सिंपल सी बात कही, मैंने कहा भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ऊपर थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपके पास नीचे, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना, वो ना लॉस होती है किसी है, मतलब टोटल एनर्जी तो आपको हमेशा सेम मिल रही थी और आपने एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर दिया था, कुछ लॉसेस भी नहीं है आपके पास पूरे रास्ते में। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि भाई आप बात कर रहे हैं नो लॉस के ऊपर। तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और काइनेटिक इंक्रीज हुई। मैंने यही कहा कि भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ऊपर थी नीचे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, all of the potential would have been converted to kinetic. Potential energy got converted to kinetic energy. So, मैंने potential energy को calculate किया ऊपर mgh से और kinetic energy को लिखा half mv square से। तो मैंने देखा भाई mass से mass हुआ cancel, मेरे पास equation हो गए gh equals half v square, G मैं पुट 9.8, H मैं पुट 40, इक्वल्स हाफ V स्क्वायर। ये 2 उधर गया, मल्टीप्लाई हुआ और उसका अंडर रूट ले लिया। एनी क्वेश्चन?
ठीक है, अगर एनर्जी लॉस हुआ होता, इफ दे वुड हैव बीन सम एनर्जी लॉस, इफ दे वुड हैव बीन सम एनर्जी लॉस, देन योर स्पीड अपॉन स्ट्राइकिंग वुड हैव बीन लेस देन 20. If there would have been energy loss, then the speed upon striking would have been less than 28 meters per second. क्योंकि अब सारा potential kinetic थोड़ी बना होता है, अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ potential remaining, वो potential जो है वो कुछ heat की form में lose हो चुका होता. Not all of the potential would have been converted to kinetic. ठीक है, चलिए. We'll keep the lesson till here. Inshallah, in our next class, we'll do a few more questions regarding the conservations of energy and we'll do power. So by next week, we'll be through the work energy and power wala chapter. All right, guys. Take care. Beta khayal rakhna aap log apna. Allah Hafiz.